सोलन के क्षेत्रीय अस्पताल में तीसरे दिन भी एनएचएम अधिकारियों और कर्मचारियों का रोष प्रदर्शन जारी रहा। पिछले 3 दिनों से काले बिल्ले लगाकर सरकार की नीतियों के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। उन्होंने कहा कि वे पिछले 25 वर्ष से एनएचएम में सेवाएं दे रहे हैं। वे इस आस में थे कि सरकार उनके कार्य को सराहेगी और उनकी सहनशीलता को देखते हुए उन पर कार्रवाई भी करेगी, लेकिन प्रदेश सरकार अपनी नींद से नहीं जागी है। मजबूरन अब उन्हें संघर्ष का रास्ता अपनाना पड़ रहा है। अब उन्हें आस है कि सरकार उनकी ओर ध्यान देने पर बाध्य होगी, क्योंकि शायद सरकार संघर्ष के बाद ही कर्मचारियों की बात सुनती है। ये हमने काले बिल्ले सरकार से अनुरोध करने के लिए लगाए हैं कि हम लोग जो हैं हेल्थ सोसाइटीज़ में लगभग 15 से 25 साल के अब स्पैन में काम कर रहे हैं, और इतने समय में हमने सरकार से बहुत गुजारिशें करी, काफ़ी गुहार लगाई कि हमारे लिए कोई नियमित होने की पॉलिसी बनाए, लेकिन सरकार ने हमारी नहीं सुनी। आजकल आपको पता है कि कोविड टाइम्स है, कोविड टाइम्स में हम लोग दिन रात काम कर रहे हैं, हम बड़ी शिद्दत से काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि हम फ्रस्ट्रेट होकर काम कर रहे हैं, लेकिन हमें सिर्फ सरकार से शिकायत है कि इतने सालों में हमारे लिए कुछ नहीं किया और क्यों नहीं किया, हमें क्यों अनदेखा किया गया है। जैसे मैं HIV/AIDS विभाग में हूँ और मेरा नाम कृतिका तोमर है और मेरे को 19 साल हो गए इस विभाग में काम करते हुए, लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से कोई भी ऐसी हमारे लिए पॉलिसी नहीं बनाई। हमने इतनी गुहार पिछली सरकार में भी लगाई कि हमारे लिए कोई पॉलिसी बना दीजिए, लेकिन नहीं। इस सरकार से भी हम, आप देखिए, सरकार का अंत होने वाला है, ख़त्म होने वाली है, नेक्स्ट सरकार रिपीट होगी कि नई सरकार आएगी हमें नहीं पता, लेकिन हम चाहते हैं हमारे चीफ मिनिस्टर से कि वो प्लीज़ हमारी जो ये आजकल का आंदोलन है इस पर गौर करें और हमें नियमितीकरण की एक पॉलिसी दे। सर, आज जो है तीसरा दिन है हमारा ये काले बिल्ले लगा के, तो सरकार से अनुरोध है कि सोचे हमारे बारे में कुछ। अब सरकार को भी हमारे ऑफिसर तो है ये बता देते हैं कि ये प्रोजेक्ट के एम्प्लॉई हैं, तो मुख्यमंत्री जी आप ये ध्यान दें कि प्रोजेक्ट ठीक है, एक साल का प्रोजेक्ट होता है, दो का होता है, ज़िंदगी का प्रोजेक्ट तो कहीं नहीं होता है ना। लोग 20-25 सालों से लगे हैं, तो ये एक्सक्यूज़ भी नहीं है कि प्रोजेक्ट है। प्रोजेक्ट के आप जब नाम चेंज कर सकते हैं, तो जो एम्प्लॉई लगे हैं उनके लिए पॉलिसी नहीं बना सकते आप, ऐसा तो कोई भी नहीं चाहेगा। और ये बात आप जैसे आज की बात करें, आज शनिवार है, आप सभी विभागों में आपने देखा होगा कि लोग आज छुट्टी पे हैं, लेकिन हम NHM के एम्प्लॉई हैं, हमें ना हमने छुट्टी मांगी ना हमें कोई देता है छुट्टी। सभी विभागों में रोस्टर लगा हुआ है, लोग एक एक दिन छोड़ के आ रहे हैं, लेकिन हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं है, हम रोज आ रहे हैं, क्योंकि हमारा ये आजकल कर्तव्य है। कोरोना जैसे महामारी में अगर हम लोग नहीं काम करेंगे तो कौन करेगा, बोलिए कोई इंजेक्शन लगाने वाला अगर आज नहीं होगा तो कोई दूसरा विभाग का तो नहीं लगाएगा इंजेक्शन। जो हमारे काम है हमने करना है, जब हम अपनी जिम्मेवारी को अच्छी तरह निभा रहे हैं तो हमारे बारे में हमें सोचिए मुख्यमंत्री जी। और ये बात भी ध्यान दीजिए कि ये हॉस्पिटल कभी बंद नहीं होगा, कोई स्कूल कभी बंद नहीं होगा, वहाँ आप इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट के सिस्टम मत लाइए, वहाँ आप रेगुलर ही एम्प्लॉय रखिए। तो यही विनती है कि मुख्यमंत्री, जैसे आज भी हम उनकी क्लिपिंग सुन रहे हैं दिल्ली से लौट के, उन्होंने बड़े हंस के बात टाल दी NHM की, ये बहुत अच्छी बात है कि हंस के टाल दी मुख्यमंत्री जी, लेकिन आप सचमुच सोचिए, हम आपके ही एम्प्लॉय हैं या आपके ही प्रदेश के वासी हैं, हमारे बारे में सचमुच सोचिए। यूँ हंस के टालने से बात नहीं चलेगी, हमारे लिए 2 तारीख तक कुछ होगा तो ठीक है, लेकिन हम 2 तारीख को फिर स्ट्राइक करेंगे, और वो आगे बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी ये सरकार के ऊपर निर्भर करता है कि वो क्या करते हैं, हमें 12 तारीख बुलाते हैं या हमारी अनदेखी करते हैं। तो स्ट्राइक 10 तक भी जा सकती है, 30 तक भी जा सकती है, पर हम ये हरगिज नहीं चाहेंगे कि हमारी प्रदेश की जनता हमारे कारण परेशान हो। हम शशि है, जैसा कि आप देख ही रहे हैं आज हमारा स्ट्राइक का जो है तीसरा दिन है, स्ट्राइक भी नहीं है पर काले बिल्ले लगाने का तीसरा दिन है, और स्ट्राइक पे जो मतलब पूरा स्टेट जो है 2 तारीख से जाएगा, अगर तब तक सरकार ने हमारे लिए कुछ नहीं किया तो ये आगे भी कंटिन्यू हो सकती है 2 तारीख के बाद भी। बाकी सरकार और ब्यूरोक्रेट से तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि जितना जल्दी हो सके हम लोगों के लिए पॉलिसी बनाएं, ताकि हमें ये स्टेप ना उठाना पड़े, जिसकी वजह से आप ये देखें सारी जनता ही हरास होगी, क्योंकि वैक्सीनेशन से लेके आप रिपोर्टिंग तक का सिस्टम भी हम लोग ही देख रहे हैं, कोविड सैम्पलिंग भी हम लोग ही कर रहे हैं, तो इससे काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो सकती है आम जनता।